ऐसी कंपनी की जहां पर प्रमोटर होल्डिंग प्लेज्ड है, कंपनी बदहाल है, बैंकों का पैसा फंसा हुआ है और कंपनी अपना कर्ज चुकाने में नाकाम है। इतना ही नहीं, निवेशक भी परेशान है क्योंकि निवेशक भारी नुकसान में है और ऐसी ही कंपनी लेकर अब सुमित मौजूद है। कल हमने इसी सेगमेंट में बात की थी जेपी एसोसिएट्स की, लेकिन अब सुमित एक और कंपनी लेकर आए हैं जहां पर सिचुएशन जेपी एसोसिएट्स जैसी ही बनी हुई है। सुमित बताइए, किस कंपनी की आप बात कर रहे हैं आज और प्रमोटर होल्डिंग प्लेज्ड होने के साथ साथ, हाई डेट होने के साथ साथ क्या कंसर्न्स हैं और क्या कुछ स्थिति ऐसी नजर आ रही है कि कंपनी अपने बुरे समय से उभर पाएगी या फिर अभी भी जो आउटलुक है वो काफी खराब नजर आ रहा है? देखिए दीपाली, जो सिचुएशन है कंपनी की वो इस तरह से इसलिए क्रिटिकल मानी जा रही है, एक कंपनी ने रिसेंटली एक्विजिशन किया उसके बाद से सिचुएशन ख़राब होती हुई दिखाई पड़ी। एमटेक ऑटो की हम बात कर रहे हैं, करीब करीब 5% के आसपास की हिस्सेदारी इस कंपनी के प्रमोटर की गिरवी है, लेकिन अगर आप खाली गिरवी के पार्ट को ही हटा दें, यानी कि गिरवी में कंपनी ने इस ग्रुप की इस कंपनी की हिस्सेदारी कम है गिरवी, लेकिन बाकी जो कंपनीज है इस ग्रुप की उनकी हिस्सेदारी बहुत ज़्यादा गिरवी है। खैर, लेकिन अगर एमटेक ऑटो की ही पर्टिकुलरली बात करी जाए तो कंपनी करीब करीब 12,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, जिसके रिपेमेंट के लिए कंपनी ने असेट्स बेचना शुरू किया है, अपने हॉस्पिटैलिटी कारोबार को लेकर, रियल एस्टेट कारोबार को, अपने ऑटो एंसिलरी कारोबार में विदेशी सब्सिडी, इन सब में हिस्सेदारी बेच रही है और धीरे धीरे करके अपने कर्ज को चुकाने की कोशिश कर रही है। बैंकों का भी बड़ा एक्सपोजर है, 8,000 करोड़ रुपए के आसपास एक्सपोजर बैंकों का भी है और जो रकम की उगाही है वो भी काफी मुश्किल हो रही है, क्योंकि एक तरफ जो गिरवी रखी हुई रकम है उसकी, जिसकी एवरेज में एसेट्स दिए गए हैं वो एसेट्स हायर लेवल्स पर गिरवी रखे गए, और दूसरा जो शेयर प्लेज किए गए हैं वो भी करीब 44 रुपये के भाव पे ज़्यादातर शेयर को प्लेज रखा गया, जबकि शेयर का मौजूदा स्तर 36 रुपये के आसपास है। तो शेयरों में जो प्लेजिंग है वो भी हायर लेवल पर है और जो असेट्स हैं वो भी हायर लेवल पर है, जिसकी वजह से बैंक जो बिकवाली कर रहे हैं या फिर जो जिस तरह रकम उगाही कर रहे हैं और जिस तरह प्लेजिंग है वो दोनों से ही रकम निकालना काफ़ी मुश्किल हो रहा है, तो ये एक बड़ा ट्रबल्ड सिचुएशन है। दूसरा, अगर कंपनी फाइनेंशियल के ऊपर आप नज़र डालें, करीब 12,000 करोड़ रुपये का कर्ज तो है ही, नेटवर्थ करीब 5,900 करोड़ रुपये के आसपास की और मार्केट कैप महज 875 करोड़ रुपए के आसपास की, यानी कि मार्केट कैप से 12 से 13 गुना कंपनी के ऊपर कर्ज ज्यादा है, तो ये एक और बड़ा ट्रबल कंपनी के लिए है और इसीलिए शायद मार्केट प्राइस जो सपोर्ट नहीं कर पा रहा है कंपनी के इतने बड़े इतने इस खराब फाइनेंशियल्स को। पिछले 2 साल में भी कंपनी को घाटा हुआ है और वो घाटे की वजह से या फिर जिस तरह नेगेटिव कैश फ्लोज हुए हैं उसकी वजह से कंपनी की जो डेट सिचुएशन है वो और वर्सन होते हुए दिखाई पड़ी है। जी, तो इनफैक्ट सुमित ने जिस तरह से बताया कि 12,000 करोड़ का डेट है कंपनी पर, नेटवर्थ 6,000 करोड़ के आसपास की, और अगर आप मार्केट वैल्यू देखें या फिर तो मार्केट कैप देखें तो वो महज 875 करोड़ की रह गई है, तो कई गुना ज्यादा कर्ज है कंपनी पर और इनफैक्ट बहुत सारे बैंक हैं जो कि फंसे हुए हैं यहाँ पर। मनोज, कौन कौन से बैंक हैं जिनका एक्सपोजर है एमटेक ऑटो में और क्या कुछ होप्स नजर आ रही है बैंकों को कि जो कर्ज दिया हुआ है इस कंपनी को वो रिकवर हो पाएगा? श्योर दीपाली, बट इनफैक्ट बिफोर हाईलाइटिंग द बैंक्स, मैं आपको ट्रिगर बताना चाहूंगा। लार्जली ट्रिगर वॉज 800 करोड़ का जो एक पेमेंट ड्यू जो फेल हुआ था, दैट वॉज इन सेप्टेम्बर लास्ट ईयर, उसको लेकर एक बहुत ज्यादा कंसर्न था। उसके पहले भी जेपी मॉर्गन को लेकर जो एक दो फंड्स को लेकर कुछ इशू और टसल चल रहा था, दैट वॉज लार्जली अराउंड 200 करोड़ दैट ट्रिगर्ड दिस यू नो पे आउट फॉर दी एमटेक ऑटो एज वेल एज द डेट। बट अगर हम NBFCs या तो हम बैंक्स की अगर हम बात करें तो लार्जली LIC इज हैविंग 530 crores का एक्सपोजर, एक्सिस बैंक is having 520 करोड़ का, एंड करूर वैश्य बैंक लगभग 100 करोड़ के करीब, एंड देर आर सेवरल अदर बैंक्स इन एक्सपोजर। बट जब भी हमने एनालिस्ट से बात करने की कोशिश की, उनका ये कहना है कि दे हैव टर्मिनेटेड देयर कवरेज ऑफ एमटेक ऑटो बिकॉज ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू, एंड दिस इज अ वेरी बिग थिंग, बिकॉज अगर एक एनालिस्ट कोई कंपनी को ट्रैक नहीं करता है दैट मीन्स दिस इज अ लार्जर कंसर्न। बिल्कुल बिल्कुल, लार्जर कंसर्न यहाँ पर है, बहुत सारे बैंक हैं जिनकी रकम यहाँ पर फंसी हुई है। सुमित, एक और चीज़ भी यहाँ पर पूछना चाहती हूँ, जिस तरह से आपने प्रिसाइसली फाइनेंशियल्स यहाँ पर बताया कि जो कर्ज है वो भारी मात्रा में है, जो मार्केट कैप है वो कंपनी की सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गई है, जो एसेट्स हैं या फिर जो नेटवर्थ है वो महज 6,000 करोड़ के आसपास की है, तो बैंकों ने डेफिनेटली अप्रोच किया होगा कंपनी को कि कर्ज आप कैसे चुकाने, एग्जैक्टली कंपनी का कहना क्या है, जो ये भारी कर्ज है इसको चुकाने के लिए कंपनी एग्जैक्टली रणनीति क्या अपना रही है, और इनफैक्ट कुछ कुछ इंडिकेशन इस बारे में मिली है?
देखिए दीपाली, हमने कंपनी को भी मेल किया है इस पूरे मामले को लेकर और बैंक्स को भी मेल किया है। कंपनी की तरफ से कोई जवाब इस पर अब तक नहीं आया है कि वो किस तरह से अपनी रकम का पेमेंट करेंगे, क्योंकि खाली बैंक्स नहीं है जिनको पे करना है, बॉन्ड होल्डर्स को भी पे करना है, LIC का कंपनी में स्टेक भी है और LIC ने पेमेंट भी मतलब कर्ज भी दे रखा है कंपनी को 530 करोड़ रुपये के आसपास, 4% स्टेक भी LIC रखता है इस कंपनी के अंदर। उसके अलावा जो FCC बीज हैं वो भी ड्यू होने वाले हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने जानकारी मांगी लेकिन अब तक कोई वहाँ से क्लेरिफिकेशन नहीं है। दूसरा, बैंकों को भी हमने कम्युनिकेट करने की कोशिश की कि जिस तरह का एक्सपोजर है, किस तरह से रकम की उगाही हो रही है और जो भी लोन एमटेक ग्रुप को दिया, एमटेक ऑटो को दिया हुआ है, उसकी उगाही कैसे की जाएगी, वहाँ से भी सब्सटेंशियल जवाब या फिर कोई जवाब तक नहीं आया है। एक चीज़ जो कि नोटिसेबल है इस पूरे मामले में वो ये कि एमटेक ऑटो लगातार अपने एसेट्स को मोनेटाइज कर रहा है। 5,500 करोड़ रुपये का एक सौदा हुआ, 7,000 करोड़ रुपये का एक सौदा हुआ और कंपनी अपने एसेट्स को बेच बेच के, अपने विदेशी सब्सिडियरी को बेचकर, इनफैक्ट उन्होंने एक बैंकर, एक पूरे ही थर्ड पार्टी को भी नियुक्त किया गया है जो कि इंडिपेंडेंट ऑडिटर के बतौर काम कर रहा है और इनके एसेट्स, इनके जो बुक्स हैं उनको देख रहा है कि किस तरह से उनके एसेट्स को बेचकर रकम जुटाई जा सकती है। तो ऐसे कई कदम कंपनी ने उठाए हैं, हालांकि अब तक कोई सब्सटेंशियल फिगर वहां से नहीं आया है। अगर कोई भी आगे चल के रकम की उगाही होती है या कर्ज का भुगतान होता है तो सिचुएशन कहना मुश्किल, सिचुएशन कुछ और भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए अब तक क्योंकि इतने सारे एसेट्स नहीं बेचे गए हैं या फिर कोई भी रकम से कर्ज का भुगतान नहीं हुआ है, इसलिए कंपनी के लिए सिचुएशन है या फिर जो ट्रबल है वो बना हुआ है और शायद आगे भी जारी रहने की उम्मीद लगाई जा रही है। जी श्योर सुमित, बट संजीव, वेरी क्विक रिएक्शन आपने एमटेक ऑटो का, एक काफी एक लार्जर पिक्चर जैसे सुमित बता रहे थे, प्लेज मीटर एज वेल एज बैंको साइड का पर्सपेक्टिव भी देखा है आपने, बट एक और चीज सुमित ने कही, दैट वॉज इंटेंशन ऑफ मोनेटाइजिंग इट्स असेट्स और रीपेमेंट ऑफ इट्स डेट। कितना इंपॉर्टेंट है ये एमटेक ऑटो के लिए और लार्जर, इफ यू ट्रैक द स्टॉक, कोई कमेंट्स ऑफर कर सकते हैं आप? जी देखिए, एमटेक ऑटो के साथ सबसे बड़ा कंसर्न आ गया है कि इसके साथ एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू है जो हमें बिल्कुल ही अनकंफर्ट जोन के बाहर रखता है। दूसरा, कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखिए, फाइनेंशियल्स बिल्कुल जीरो हो चुके हैं, 12,000 करोड़ का डेट है, मार्केट कैप टू नेटवर्क टू मार्केट कैप देखिए 9 से 10 टाइम्स का नेटवर्क टू मार्केट कैप है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर कंपनी कोशिश जरूर कर रही है अपने पैसे को चुकाने के लिए, पर मेरा इन्वेस्टरों को कहना यह होगा कि जहां पर जिस कंपनी में इतना कंसर्न है तो क्या जरूरत है उस कंपनी में निवेश रहने की, निवेश करने की। मार्केट में अच्छी कंपनियां हैं, एक अच्छी फाइनेंशियल कंपनी है, वहां पर निवेश करें। तो यहां से मेरे ख्याल से इन्वेस्टरों को अगर होल्ड किए हुए तो एग्जिट हो जाना चाहिए और कंपनी के फाइनेंशियल को एक बार स्टेबल हो जाने दें, फिर इस कंपनी के बारे में हम लोग सोच सकते हैं। पर जहां कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू है तो वहां तो बिल्कुल ही इन्वेस्टरों को कंपनी से दूर रहना चाहिए। तो दूर रहने की सलाह है एमटेक ऑटो पर। और इनफैक्ट जो भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की गई वो इसीलिए शेयर की गई है क्योंकि एक समय में ये शेयर ट्रिपल डिजिट का होता था। 2011 में 250 रुपए का था, अब से 6-8 महीने पहले 170 180 का इसका प्राइस होता था और इन्हीं दिक्कतों के चलते एक जो स्टीप करेक्शन आया स्टॉक में, उसके बाद बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं जो सोचते हैं कि ट्रिपल डिजिट का शेयर अब 2 डिजिट में मिल रहा है, 36-37 रुपए के आसपास को खरीद लेना चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसी कोई रणनीति बना रहे हैं तो अलर्ट हो जाइए क्योंकि आउटलुक अभी भी ब्लीक नजर आ रहा है, भारी कर्ज है कंपनी पर। अगर डेट कम करने की खबरें आती भी हैं तब भी आप कॉशियस रहिए क्योंकि सिचुएशन अभी क्रिटिकल गोइंग फॉरवर्ड यहां पर रह सकती है, सतर्क रहें आप। शुक्रिया सुमित आपका ये स्टॉक बताने के लिए और पूरे फाइनेंशियल्स डिस्कस करने के लिए। एक संजीव आपका भी शुक्रिया, स्वाति आपका भी शुक्रिया।